ये किशनगंज के बीबीगंज प्लस टू हाई स्कूल का नजारा है, जहां पर शिक्षकों का टोटा होने से बच्चे बेहद परेशान हैं। दरअसल चंद दिनों पहले टेढ़ागाछ बीईओ ने प्रिंसिपल सहित कई टीचरों को बदल दिया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने और नियमित पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से छात्रों पर 75% हाजिरी का दबाव है। ये बच्चे रोजाना स्कूल आते हैं, लेकिन नियमित रूप से कुछ नहीं होने पर बेरंग लौट जाते हैं। लेकिन आज छात्रों का सब्र का बांध टूट गया और कैंपस के अंदर बाहर जमकर हंगामा किया है। आइए जानते हैं इन बच्चों की क्या परेशानी है। नहीं है, बच्चा सब क्या करेगा, बाहर में रहेगा ना। आपके स्कूल में हेडमास्टर मास्टर नहीं है क्या? हेडमास्टर अभी नहीं है। और मास्टर कितना है? मास्टर अभी अभी तीन है, तत्कालीन के लिए पढ़ा रहा है। हाई स्कूल इतना बड़ा हाई स्कूल है और तीन क्लास रूम में एक क्लास रूम में इंटरवल है, लेकिन 9th और 10th इतना सारा बच्चा कैसे पढ़े? 10th का फॉर्म फिल हो रहा है अभी? अभी तो हो रहा है, लेकिन जवान नहीं लगा। कितना दिन जा रहा है? 3 दिन से। फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई टीचर नियुक्त हुआ? नहीं हुआ। टीचर लोग बता रहे स्कूल आए फॉर्म फिलअप करने के लिए आए थे। फॉर्म फिलअप हुआ आपका? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कल भी गए थे, वापस गए, आज भी वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे? घर गाँव आपका? काशीबाड़ी। काशीबाड़ी से यहाँ आते हैं डेली? जी। 3 दिन से आ रहे हैं। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है और बैठने की भी जगह नहीं हो रही है। 3 रूम है और इतना बड़ा हाई स्कूल है, 3 रूम है, क्या कर सकते हैं? हम लोग का जगह भी नहीं हो रहा है। 10 दिन से आ रहा हूँ पढ़ने के लिए, हाजिरी भी नहीं बन रहा है ठीक से। क्लास के बाहर आप हैं? ये सर, क्लास में टीचर नहीं है। टीचर नहीं है? नहीं सर, 1 घंटे पढ़ाई उसके बाद नहीं है टीचर। उसके बाद क्लास नहीं है, टीचर नहीं। हेडमास्टर साहब हैं आपके स्कूल में? नहीं है सर। आप कितने क्लास के स्टूडेंट? 11th में। 11th में है। तो आपका नाम क्या हुआ? मतलब स्कूल में टीचरों की कमी है? यस। कितना घंटे की? 1 घंटे हुई है। उसके बाद आप घूम रहे हैं बाहर में? सर क्लास में कोई बच्चा भी नहीं है। क्लास में हुआ उसके बाद बच्चा नहीं है? सर बच्चा तो बाहर नहीं है। तो क्लास में अगर टीचर होगा तो बच्चा होगा ना, तो टीचर की कमी है क्या? पूरा बच्चा घूम रहा है, टीचर नहीं है स्कूल में? टीचर नहीं है सर। मास्टर है कोई स्कूल में आपका? मास्टर है। हेडमास्टर साहब हैं स्कूल में? सर आप लोगों के रहते हुए बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं बहुत दुख की बात है सर। देखिए हम तो क्लास नहीं रहे शुरू से। जी जी। जगह का कमी है, अकेले तो हम उतना नहीं संभाल पाए। हम अपना क्लास नहीं रहे। कितने टीचर हैं अभी टोटल? टीचर तो है लगभग 6 टीचर है, लेकिन अभी 6 में 3 है। जी। क्लास 10 का फॉर्म फिलअप चल रहा है क्या सर? हाँ चल। बच्चे बोल रहे हैं फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं। आज बंद है। आज बंद है सर, लोग नहीं है ना, सब चल रहे। हेड मास्टर हैं यहाँ पे अभी? हेडमास्टर है। हेडमास्टर है कि नहीं? आप क्लास के टीचर हैं सर? आपको पता नहीं हेडमास्टर कौन है? नहीं नहीं, हम क्लास में अभी घुसे हुए हैं। घुसे हैं मतलब परमानेंटली हेडमास्टर है यहाँ? परमानेंट हेडमास्टर अभी थोड़ा सा दूसरे तरह का मैटर चल रहा है सर, के लेटर वेटर निकला हुआ, पता नहीं क्या हुआ मैटर, तो हमको मालूम है। ठीक है, छात्र हैं 12th क्लास की। क्लास हुआ आपका? अटेंडेंस होना? कितने घंटे क्लास की आप? 1 घंटे। उसके बाद 1 घंटे क्लास की, क्योंकि हम अगर 12th का क्लास का टीचर नहीं है। टीचर की कमी है यहाँ पे? जी टीचर का कमी है, यहाँ का टीचर नहीं है, इसलिए मिडिल स्कूल का टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं। मतलब क्लास 12 के छात्र हैं आप और मिडिल स्कूल का टीचर आपको पढ़ाते हैं? यस सर। ये बहुत दुख की बात है। जी दुख की बात है, क्योंकि इसमें यहाँ के शिक्षक नहीं है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि शिक्षक भेजा जाए, क्योंकि हम लोग को पढ़ाई की बहुत कमी मिलती है। मतलब आप लोगों को जो पढ़ाने के लिए जो टीचर दी गई है वो प्राइमरी के टीचर हैं? यस सर। जो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं? जी सर। ठीक है, फॉर्म फिलअप भरने का हम लोग का टीचर नहीं है। उसके वजह से हम लोग 3-4 दिन से आ रहे हैं और यहाँ हाई स्कूल से वापस जा रहे हैं घर। क्लास भी नहीं हो रहा है और यहाँ क्लास में बेंच नहीं है हम लोग का। टीचर भी टीचर भी नहीं है, क्लास में बैठने का जगह नहीं, फैन नहीं है, हम लोग क्लास भी करने नहीं पाते। क्लास भी नहीं होता है, फॉर्म फिलअप के लिए हम लोग 3-4 दिन से आ रहे हैं, फॉर्म फिलअप भी नहीं भरा जा रहा है। कब से आ रहे हैं फॉर्म फिलअप? 3-4 दिन हम लोग सैटरडे से आ रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे हैं हम लोग, सब 10th क्लास के बच्चे हैं, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो हम प्लस टू हाई स्कूल बीबीएन के विद्यार्थी हैं, हम 10th क्लास में आ रहे हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, घूम घूम के जा रहे हैं और यहाँ टीचर भी नहीं है तो पढ़ाएगा, और क्लास की भी कमी है और क्लास में जो टीचर है उसकी भी कमी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ टीचर बुलाया जाए और फॉर्म फिलअप के लिए तोरों पर जमा लिया जाए। और क्लास में बेंच की भी कमी है और ना ही हम पढ़ पा रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी आज घूम रहे हैं।